हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का लगभग 6 चैप्टर खत्म हो चुके थे, आज जो हमारा है 7 चैप्टर और 7 चैप्टर का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले कि फर्स्ट पार्ट 2 आ चुका था, उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि निर्धनता क्या होती है, प्लस निर्धनता के प्रकार क्या होते हैं, मतलब सापेक्ष निर्धनता, ठीक है, और दूसरा जो हमारा था निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आज जो बात करेंगे, हम वो दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, मतलब कि सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता होती क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन है 4 नंबर के आने के चांसेस हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी इसके डेफिनेशन को कवर कराया था। ठीक है, तो चलते देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो कह रहा है हमसे, ठीक है, देखो मैंने आपसे बताया था कि जो निर्धनता का डिफरेंस आपसे बताया था, तो आप इस बेस पे बताओ कि यहाँ पर जो होते हैं कि फुल मार्क्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक बेस क्रिएट होता है कि हम किस किस बेस पे डिफरेंस बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सापेक्ष निर्धनता, ठीक है, डिफरेंस किस बेस पे, डेफिनेशन पे। तो सापेक्ष निर्धनता की डेफिनेशन क्या है कि जब निर्धनता का आकलन व्यक्ति, क्षेत्र तथा राष्ट्र के आधार पर लगाया जाता है या फिर किया जाता है, तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी व्यक्ति को मतलब कहते हैं कि हाँ, इस आधार पर क्या व्यक्ति गरीब है, किन चीजों, मतलब 3 शब्दों को आपको याद रखना है, क्या क्या, व्यक्ति, क्षेत्र और राष्ट्र। अगर हम इन तीनों के आधार पर किसी को गरीब बताते हैं तो कौन सी निर्धनता होगी, वो हमारी होगी सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है कि जब निर्धनता का आकलन निर्धनता रेखा के आधार पर लगाया जाता है तो उस हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, सिंपल मतलब क्या, एक पॉवर्टी लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि अगर कोई लाइन, मतलब जैसे कि लाइन है, अगर इस लाइन से कोई नीचे तो क्या होगा, गरीब होगा, अगर उसके ऊपर है तो क्या होगा, वो गैर निर्धन होगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा देखना है, दूसरा हमारा महत्व। महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस कह सकते हैं कि जो सापेक्ष निर्धनता होती है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो महत्व सापेक्ष निर्धनता जनसंख्या के सापेक्ष माप को प्रकट करती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सापेक्ष माप क्या होता है। सापेक्ष माप का, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास के जो वहां पर परिक्षेपण का वगैरह टॉपिक है, तो वहां पर हमारा बेसिकली सापेक्ष और निरपेक्ष माप। तो सापेक्ष माप का मतलब जो बेसिकली होता है कि जो सापेक्ष निर्धनता परसेंटेज में दिखाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत में 2% के हिसाब से गरीबी बढ़ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, परसेंटेज 2% तो बढ़ रहा है, 2% कौन सा माप होगा, वो सापेक्ष माप। ठीक है, दूसरा हमें इसमें देखना है निरपेक्ष में, इसके विपरीत निरपेक्ष निर्धनता अल्पविकसित देशों की स्थिति को प्रकट करती है। मतलब कि जो निरपेक्ष निर्धनता होती है वो किस चीज को दर्शाती है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं उनकी स्थिति को प्रकट करती है। तो ये हमारे दूसरा था। ठीक है, तीसरा हमें देखना है, तीसरा हमें सीमा। सीमा का मतलब क्या होता है, लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशन मतलब कि जो सापेक्ष निर्धनता होती है उसकी क्या कमियां है, और दूसरा क्या है, निरपेक्ष निर्धनता उसकी क्या कमियां है। ठीक है, तो जैसे कि हम देखेंगे सापेक्ष निर्धनता इस बात पर ध्यान नहीं देती है कि व्यक्ति कितना गरीब है, ठीक है, या वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से वंचित है या नहीं। मतलब सिंपल से मतलब क्या है कि जो सापेक्ष निर्धनता होती है कभी भी एग्जैक्ट ये नहीं बताती कि जो व्यक्ति है, ठीक है, वो कितना गरीब है, प्लस या फिर वो अपने जीवन के जो मूलभूत आवश्यकताओं से कितना वंचित है, उसमें कितना गैप है, कभी भी इस चीज को मेजर नहीं करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो सापेक्ष निर्धनता है कमी है। दूसरा हमारा जो है, दूसरा हमारा कह रहे कि निरपेक्ष निर्धनता यह दर्शाती है कि बहुत गरीब और कम गरीब के मध्य कितना अंतर है तथा यह सामाजिक कल्याण को भी नजरअंदाज करती है। मतलब सिंपल क्या है कि ये जो निरपेक्ष निर्धनता होती है, हमें जो मतलब एक बहुत जो अधिक गरीब होता है और जो कम गरीब, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उस चीज को कभी मेजर नहीं करती है। और इसमें ये होता है कि जो निरपेक्ष निर्धनता होती है सामाजिक कल्याण की क्या करती है, ये मतलब सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करती है। उपेक्षा का मतलब कहते हैं उस पर मतलब ध्यान नहीं देती है। और जो हमारा चौथा बेस है वो किस बेस पे बताएंगे, उसको हम एग्जाम्पल के बेस पे, एग्जाम्पल क्या कि भूटान भारत की तुलना में एक गरीब देश है। क्या भूटान मतलब दो राष्ट्रों की बात करें, तो हमने यहाँ पर क्या करें, दो राष्ट्रों का कंपैरिजन कर दिया एक पॉवर्टी में निकालने के लिए। तो सिंपल से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भूटान भारत की तुलना में गरीब देश है तो कौन सी निर्धनता होगी, वो निरपेक्ष निर्धनता। और दूसरा हमारा क्या कि निरपेक्ष मतलब निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति क्या है, गरीब है, तो उसे हम कहेंगे निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।